और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अभी कुछ दिन पहले मैंने 35 किल का गेम प्ले डाला था और भाई तुम लोग पागल हो गए थे वो गेम प्ले देख के। तो मैंने कहा चलो आज तुमको फिर वही स्वाद देते हैं। तो भैया आज फिर 30+ किल्स, मैं बताऊंगा नहीं और तुम चीटिंग करोगे नहीं। तो गेस करो कमेंट सेक्शन में कि कितने किल आज होने वाले। कोई चीटिंग नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? देखता हूँ किसका अंदाजा कितना सही होता है। लेकिन 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 भाई देखो, तुम सबको पता है हवा पूरी बन रही है कि बिजमाइन बैन होने वाला है। रोज कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाती है, वो अलग बातें मैं कवर नहीं कर रहा हूं। तो क्यों ना एक चैलेंज लेते हैं कि क्या बिजमाइन अनबैन होने से पहले अपन 40 किल का रिकॉर्ड लगा पाएंगे। भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ट्राई फुल मारेगा तुम्हारा भाई। 35 किल तक पहुंच गया, सिर्फ 5 किल पे रह गया था। अगर बुग्गी ने उस मैच में 5 किल ना करे होते तो वो भी हो जाता, बट कोई बात नहीं। क्या कहते हो लंडो, ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं? क्या तुम्हारा भाई 40 किल बोर्ड पे लगा पाएगा या फिर नहीं? और एक बात और मैंने सुनी है कि 40 किल करने पे आईडी बैन हो जाती है, वो भी डस्ट हो जाएगा। लेकिन 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 एक चीज बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं होने वाली, वो है किल्स और तुम्हारे मजे इस गेम प्ले में। तो तुम्हारे भाई ने अब तक 3 किल बोर्ड पे लगा दिए थे, सफर चालू हो चुका था, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है, 3 को 30+ बनाना है। तो तुम समझ सकते हो कि कितने किल आने वाले हैं। अब देखो अभी तक तुमको भले बहुत ज्यादा हल्ला ना सुनने को मिल रहा हो, लेकिन वो बोलते हैं ना शुरुआत में शांति होती है तो अंत में शांति होती है। भाई इस गेम का एंड फेज, भाई मैंने कट नहीं लगाया पता, उधर पूरा एंड गेम अनटच्ड अनएडिटेड है, बिकॉज भाई मौका ही नहीं मिल रहा कहीं कट लगाने का। शुरुआत से आखिर तक तुम्हारा भाई सिर्फ ठुकाई कर रहा। लेकिन यहाँ पर इस बंदे को मैंने बॉट समझा था, ये तो बंदा निकला है, डर के भाग रहा था, मैंने इसको बचा दिया। इसीलिए कहते हैं बेटा मिलिट्री उतरो तो सर पे कफन बांध के, भागने का मौका नहीं मिलता इधर। अब देखो मैंने इसको तो फिनिश कर दिया, लेकिन तभी मेरे को दूर एक बॉट दिखाई दिया, मैंने कहा चलो किल चुरा लेता हूं। बट तभी साइड में से फुटस्टेप आए। अरे छोरे, भाई को लगा था कि मैं बिजी हूं फाइट में, मैंने पीक लेके धर लिया। अब देखो तुम्हारे भाई के 6 किल हो चुके थे और अब यहां से शुरू होगी गेम में इंटेंसिटी, क्योंकि तुमको इतने स्क्वाड वाइप दिखाने वाला हूं मैं। तुम भी गोगे फारो भाई, मजा आ गया। अब बुकी कह रहा था आराम से नॉक निकाल लोगे और मैंने निकाला भी, एक नहीं दो दो, ये रहा दूसरा, अभी आएगा तीसरा भी चौथा। अब यहां पर मैं पुश कर रहा था, बुकी मेरे को कवर दे रहा था, मैंने एक मॉली करी जिससे कुछ खास हुआ नहीं। भाई एक और नॉक, बस सिर्फ एक ही बच रहा है। ए, नहीं कितने बच रहे भाई? एक मिनट, मैंने दो नॉक करे थे यार, इतनी जल्दी जल्दी रिवाइव दे रहे हैं लोग। अरे है मतलब, अरे नहीं बुक्की कहां से नॉक हो गया? नाइस, अब तो बस एक ही बच रहा है जो कि रिवाइव दे रहा है। कहां दे रहा है वो भी पता है, अब तुमको पता है खबर आने वाली है। भाई स्क्वाड वाइप, वो अलग बात है, सब नॉक पड़े हुए और अभी एक भटूरा आगे मेरी किल चुराएगा। ये वो भटूरा नहीं है, भटूरा भी आएगा। वो देखो भाई लगा हुआ, वो बैरल लेके ताली निकलो ताली। कोई बात नहीं यार, एक ही किल का नुकसान हुआ, सह लेंगे। अब देखो उसके बाद उसने उठाई अपनी सुखा राम और सीधे आगे पोचिंग की, क्योंकि मिलिट्री के बाद कोई और जगह है जहाँ लोगों का खून बलता है ना लड़ाई के लिए, वो पोचिंगी है। और पोचिंगी कभी निराश नहीं करता, अगर आप ढंग से ढूंढो ना तो एक आध आपको इधर मिल ही जाता है। वो अलग बात है कि हमको 2-4 मिल गए। अब पोचिंगी में भले ही कोई नहीं था, लेकिन जब हम चर्च पे आए ना, हम समझ गए थे दाल में कुछ तो काला है। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं छत पे चढ़ जाऊं, थोड़ा बेटर एंगल मिलेगा। तो अपन छत पे चढ़े, नीचे से
अब यार जिसके चक्कर में आए थे वो तो बुकी ने ठोक दिया। फट मेरे को ये बंदा मिल गया जिसको मैंने नॉक कर दिया था, बट इसको फिनिश करना इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि ये रिच के पीछे। अरे चचा किधर घूम रहे हो, आराम से भैया, ऐसा खुले में नहीं भागते। अब देखो ये नेड देखो और वाह वाह करो भाई, मुझे को उम्मीद नहीं थी कि इधर नॉक मिलेगा मेरे को। भाई वो बंदा रिवाइव होते ही नॉक हो गया, अब उसका टीम में तो फुल गरी आ रहा होगा कि तेरे को साले रिवाइव देना बेकार है। तुम क्या ये बटूरा मेरी किल चुरा लेंगे फिर से? अब देखो मुझे इतना तो पता था कि मैंने किसी को नॉक करा था, वो ये था, लेकिन इसको रिवाइव देने वाला कहां गया भाई? लग रहा है कि नुकसान हो गया। वेल जो भी हो अपने को क्या करना है, उसके बाद अपन आए कहां, तो रिकॉल टावर के पास। और भाई सच में बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी जहां बंदे मिले ना अब हमको, तुम भी कहोगे फारो भाई किस्मत बहुत बुलंद है तुम्हारी। भाई गिर के मरा क्या कोई? हद है यार। भाई कितनी हेल्थ है इसके अंदर, साले हाथ ही की औलाद। वाला देखो पहाड़ी पे जबरदस्त फायरिंग हो रही थी, और सच बताऊं तो वो हम पे ही फायर कर रहे थे, और मेरे पास क्योंकि गोलियां कम थी तो मैंने फटाफट लूटा और फिर मैंने दिया एक मुंह तोड़ जवाब। मुंह क्या, जबड़ा ही उखाड़ दिया मैंने। अब देखो बुग्गी क्योंकि पूरे में गाड़ी चला रहा था तो हमारी गाड़ी सेफ थी, तभी हमारे पास एक गाड़ी निकली बट हमने उसको इग्नोर करा क्योंकि पहाड़ी पे स्क्वाड थी और हम सबको ठोकेंगे उधर जाके। अरे एक गोली, व्हाट द हेल भाई क्या चल रहा है इधर? अब जो भी चल रहा हूँ मजा मेरे को फुल आ रहा भाई। 18 किलो गए बताए, 18 किलो रहो बीबी, 26 बंदे बच रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो 40 किलो को इसी गेम प्ले में हो जाए। अब देखो हुआ ये कि मेरे को एक गाड़ी जाते हुए दिखाई थी, ठीक है, उन लोग ने असल में वहीं से गाड़ी उठाई थी और ये पूरे स्क्वाड थे, ऐसा दूर से दिखने में लग रहा था क्योंकि बंदे लटक रहे थे गाड़ी से। तो बस अब हमने पीछे लगाया, बुग्गी ने कहा फारो भाई मजा आने वाली है, पार्टी जा रही है सामने, तैयार हो जाओ। मैंने कहा भाई तैयार हूँ, गाड़ी लगाओ। धो गए और ड्राइवर की फट गई। गाड़ी लेके कहाँ भाग रहे हो चाचा? अभी फिनिश नहीं हुए भाई, पिंक वाले को मैंने फिनिश करा था ना, वो बचा कैसे हुआ था? कल जो भी हो यहाँ पर भाई तुम्हारे भाई के 21 किलो हो गए। उसके बाद मैं आया जानते हो किधर, जासना है कि पीछे वाले कंपाउंड्स पे जो पहाड़ी पे नहीं पड़ते हैं, और भाई यहाँ पर मेरे को आ गए फुटस्टेप। अब फुटस्टेप आए हैं तो हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, अब तो या तो हम जाएंगे या तो ये फुटस्टेप देने वाले बंदे जाएंगे। तो बस हम लग गए एंगल बनाने में। अरे भाई टीपी भी लोगे आप? देखो यहाँ पर आसानी से इन दोनों को निपटा दिया, लेकिन अगर तुमको लग रहा हो कि यहाँ पर जो कुछ था खत्म हो गया ना, तो तुम बहुत गलत हो भाई, क्योंकि यहाँ पर तुमको दिखने वाला है हैकर। अब तुम सोचोगे क्या इस गेम में हैकर भी है? भाई तुम खुद देखो डिसाइड करो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। भाई साहब क्या था ये? अब भाई मेरे अकॉर्डिंग ये हैकर तो नहीं था, हाँ स्किल हैकर था, मतलब इसने इतनी स्किल इतनी अच्छी करी हुई थी कि इसने मेरे को हैकर की तरह उतार दिया, बट मेरे को नहीं लगता इसने चीटिंग करी है। तब उसके बाद मैंने हील करा, गाड़ी में बैठे और तभी ये लोग आ गए, इसको नॉक करा, फिनिश करा, और ये भाई साहब गिर के मर गए। अबे गिर गिर के क्यों मर रहे हो तुम लोग, कितने गिरे हुए हो भाई यार, लड़ लो थोड़ा सा, तुम्हारे भाई को किल की जरूरत है यार। अब देखो हम पहाड़ी पे स्टाइल की तरफ घूम रहे थे, ज्यादा दूर तो है नहीं,
और वहीं पर उनकी गाड़ी दिख गई। अब बंदे नहीं दिखे थे, सच बताओ गाड़ी दिखे थी, लेकिन हम लोग को ऑकवर्ड लग रहा था कि गाड़ी वहाँ क्यों खड़ी हुई है, जो उनसे बाहर बोली। हमको लगा ऐसा कि जब हम लड़ रहे थे तो ये लोग शायद हम पे एंगल बना रहे थे, हम तो एक दो बंदे की उम्मीद नहीं रखे थे भाई, पूरी स्क्वाड निकली इधर। अब देखो एक बंदा इनका पत्थर पे दिखा तुमको, कुछ हरकत नहीं कर रहा था, तो मैं समझ गया ये ऑफलाइन है। अरे चिरकट, अब यार जानते हो ये पूरी स्क्वाड एक बंदे के चक्कर में पिल गई, क्योंकि ये ऑफलाइन बंदे का वेट कर रहे थे यहाँ पर, ऑफलाइन बंदा तो ऑफलाइन ही रहा, ये लोग गेम से बाहर हो गए। भाई क्या गोलियां पड़ेंगी उसको लॉबी में आके, जूते तेरे चक्कर में मर गए, कहाँ चला गया था तू। अब यार ये लोग आपस में लड़ेंगे, हम किल करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टैल्बर भी चेक कर लिया, स्टैल्बर में तो घंटा कोई नहीं मिला हमको, लेकिन अब गेम का शुरू हो गया एंड फेज, और यहाँ से भाई बिल्कुल तुमको गेम प्ले में कट नहीं मिलेंगे, क्योंकि फुल इंटेंस माहौल टाइट होने वाला है, तो बैठे रहो कहीं हिलना मत तुम लोग। भाई ये बेचारा बहुत कंफ्यूज था, इसने अभी पीछे क्लियर करा था पता है, कुछ नहीं दिखा इसे, एकदम से हम पेड़ के ऐसे एंगल से निकले ना कि उस पे एंगल बन गया। भाई वो बंदा बहुत गुस्सा होगा पता, बहुत पीछे। अब देखो एक किल तो मेरे को मिल गया था, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर मौजूद सारे के सारे किल चाहिए थे, कुल मिला के 5 किल, ठीक है। और तुम्हारा भाई ठोकेगा भी सबको, तुम बस देखते जाओ। अब हुआ ये कि हमको पता था कि वॉच टावर बंदे स्मोक हो रखा है, हमको हल्का सा डाउट था यहाँ पर स्नाइपर ही था। अब ये बंदा नॉक होते होते बचा, मेरे ऊपर ग्रेनेड आया, मैं ग्रेनेड से बच गया। अब मेरे को डाउट क्या था कि पहाड़ी पे एक स्नाइपर है जिसने वॉच टावर में एक बंदे को नॉक करा है, तभी यहाँ पर स्मोक हो रखा है। फिर मैंने जापानीज चाइनीज कोरियन जो भी है ये उसको नॉक करा, ठीक है। मैंने एक मॉली डाली वॉच टावर में, कोई हलचल नहीं, कोई फुटस्टेप नहीं, तो मेरे को हल्का सा डाउट हुआ कहीं ये पैनिक रूम में तो नहीं है, बट ये वहां नहीं थे, ये असल में नीचे थे। तो यहाँ पर अब मेरे को ग्रेनेड नीचे डालना था, लेकिन तभी एक मार्क ऊपर लगा, वहां पर बंदे हैं। लेकिन मैंने कहा पहाड़ी वालों को बाद में ठोकेंगे, वही स्नाइपर्स हैं यार, पहले इनको ठोकते हैं। तो मैंने ग्रेनेड डाला जो कि यार जायरो की वजह से मिल गया थोड़ा सा, लेकिन दूसरा नेट परफेक्ट। अब मुझे एक चीज पता थी कि वो बंदा नॉक हुआ है तो अंदर कोई और भी होगा। अब देखो बेट आई बाप रे, रीलोड। भाई यार 2023 चल रहे हैं और लोग अभी रीलोड में फंसते हैं। अब देखो हुआ ये कि मात्र 2v2 की सिचुएशन थी, एक बंदा जो पहाड़ी पे स्नाइपर था ना यार, उसको मारा, बट यार मैं तुमको वो चीज दिखा नहीं पाऊंगा, अजीब सा वहां पर पता नहीं क्या ही ग्लिच है रिकॉर्ड, अब छोड़ो। लेकिन हुआ सिचुएशन ऐसा था कि हम गाड़ी घुमा के गए थे पत्थर के पीछे और वहां पर उसको भजा दिया था, ठीक है, तो स्नाइपर क्लियर हो गया था। लेकिन यहाँ पर मैं स्नाइपर से लड़ने के तुमको टिप देता हूँ, स्नाइपर से लड़ने के दो ही तरीके होते हैं, या तो तुम इनको जिगल पीक करो और टैप टैप करो, ठीक है, या फिर उनको इतना गंदा स्प्रे करो कि उनकी आधी एचपी उड़ा दो। अगर तुमने एक बार किसी स्नाइपर के दिल में दहशत डाल दी ना भाई, वो सच बता रहा हूँ बहुत डरेगा तुमको पीक देने में, और स्नाइपर अगर पीक देने में डर रहे हैं तो फिर तुम उसको आराम से मार सकते हो। मैं खुद एक स्नाइपर हूँ तो इस वजह से तुमको ये बात बता रहा हूँ कि स्नाइपर से कभी डरो मत, कोशिश करो कि जो तुम्हारा एक स्प्रे उसको ऐसा चिपके ना उसकी हालत टाइट हो जाए। एक बार स्नाइपर डर गया ना फिर वो खत्म है, फिर वो ना असॉल्टिंग कर पाएगा ना स्नाइपिंग। लेकिन आखिरी बंदे के पास थी ग्रोजा और भाई ने मेरे को लाल कर दिया, बस देखते जाओ कब भाई बच गया मैं, मतलब नॉक हो गया होता ना तो खत्म था मामला मेरा। अब देखो क्योंकि वो अकेला था, भले उसके पास ग्रोजा थी, बट हम दोनों भाई धर कमी ने, हमने कहा एक काम करते उसको पैन से टपकाते, बट भाई समझ गया हमारी चाले। तो जब मैंने पैन फेंका तो वो बाहर भागा और ये उसने गलती कर दी, कहते इजी चिकन डिनर।